हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करके पूछने की कोशिश किए कि सर जे का कैंपस कब ओपन हो रहा है क्योंकि अधिकांश लोग एडमिशन ले लिए अब जे में और साथ ही साथ में एडमिशन का जितना प्रोसेस था लगभग हो ही चुका है तो अब सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा सवाल कि कैंपस कब ओपन होगा कब से पढ़ाई शुरू होगा जो स्टडी शुरू होगा वो क्या ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा क्या प्रोसेस होगा कैसे हम जा सकते हैं कब जा सकते हैं यू ने न्यू गाइडलाइंस कह दिया है ये सारे प्रोसेस जो है ना सारे जो सिचुएशन है वो आपके दिमाग में तो वहीं रहा होगा बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि भाई आपने एडमिशन लिया है आप चाह रहे होंगे कि कब हम वहाँ पर स्टडी करने जाए जे की फैसिलिटी ले ऑफलाइन फैसिलिटी ले बिल्कुल तो चलिए मैं वहीं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि कब ओपन होगा और वहीं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सत्रह दिसंबर दो दोस्तों थर्सडे को यू ने न्यू गाइडलाइंस जारी किया है और उस न्यू गाइडलाइंस में उसने स्कूल ओपन करने के बारे में और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज़ को किस प्रकार से ओपन करना है वो सब के सब प्रोसेस बताया यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्कूल के बारे में बहुत कम और यूनिवर्सिटीज़ को ओपनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा ठीक है और, और उस केस में जैन अलग नहीं है जेनू एक यूनिवर्सिटी ही है तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि जेन्यू के लिए भी वो सेम सिचुएसन होगा ठीक है दोस्तों जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि थर्स्ट डे यानी कि सत्रह दिसंबर दो हज़ार बीस को यू जी सी ने न्यू गाइडलाइंस जारी किया है किसके लिए ओपनिंग के लिए किसके ओपनिंग के लिए स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ को ओपनिंग के लिए दोस्तों ठीक है और ये भी आप जानते हैं कि मार्च से ही इंडिया में पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज बंद है दोस्तों लेकिन 15 दिसंबर को 15 दिसंबर 2020 को सॉरी 15 अक्टूबर 2020 को दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम फेज मैनर में क्या करेंगे लोकल सिचुएशन को देखते हुए एक्चुअल टाइमिंग और ओपनिंग डिसाइड करेंगे किसका स्कूल कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ का फेज मैनर में तो ये सब सिचुएशन था और उन्होंने ये भी बताया था कि जो स्कूल ओपनिंग का जो स्टेटस है यानी कि स्कूल ओपनिंग करने का जो राइट होगा वो स्टेट को दिया जाएगा पूरी तरीके से स्टेट के पास ये राइट होगा कि, कि किस प्रकार से स्कूल को ओपन करना है कब ओपन करना है कब नहीं करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट वाइज इंडिया में स्कूल चल रहा है लेकिन बहुत सारे स्टेट में स्कूल ओपन नहीं हुआ है इवन कोई कोई स्कूल तो अपना सिचुएशन देखते हुए स्कूल को चला रहा है और बंद करके रखा हुआ है तो ये सिचुएशन दोस्तों है आज लेकिन यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ के मामले में पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है उसका मानना है कि जो हम बोलेंगे वही होगा और होगा भी दोस्तों हो भी रहा है सिचुएशन ये है कि जो यू है वो यूनिवर्सिटीज़ के ओपनिंग को लेकर क्या न्यू गाइडलाइंस जारी किया है हमें उस पर बात करना है स्कूल के बारे में नहीं बात करना है दोस्तों यू ने बोला हुआ है कि जो यूनिवर्सिटीज ओपन होगा वो फेज मैनर में ओपन होगा फेज मैनर मतलब एक ही बार में सारे स्टूडेंट को हम वहाँ पर नहीं पढ़ने के लिए बुला सकते हैं लेकिन हाँ उसने बोला है कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज कॉल बैक करें स्टूडेंट को बुलाएं पढ़ने के लिए तो जैनू में जो सबसे पहले जाएगा सबसे पहले जिसका इंटरेस्ट शुरू होगा और हो भी चुका है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो होंगे रिसर्च स्कॉलर्स वो वो जाएंगे पहले जो कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो नंबर वन प्रायोरिटी वाले होंगे सबसे पहले उनको अलाव किया जाएगा उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जाएंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स वाले हैं वो सेकंड नंबर पर जाएंगे इनको धीरे धीरे आगे बुलाया जाएगा उसके बाद में फाइनल ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं और जिनका प्लेसमेंट होने वाला है इस साल उनको बुलाया जाएगा तो ये तीन प्रायोरिटी यानी कि ये थ्री प्रायोरिटीज़ हैं जे के ओपन करने के बाद में तो सबसे पहले तीनों ये जाएंगे कैंपस में पढ़ने के लिए वहाँ पर लेकिन दोस्तों अगर ये तीनों वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए तो इनकी जो अपनी क्लासेस हैं उनमें भी हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार में नहीं बैठ सकता इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे ये लोग जाएंगे सबसे पहले उसमें भी से भी आधा लोग ही क्यों हो जाएंगे यानी कि अल्टरनेटिव क्लास चल पाएगा उनका भी या फिर हो सकता है कि मॉर्निंग में किसी और का और इवनिंग में किसी और का चलेगा ऐसे चलेगा दोस्तों क्लास तो समझ सकते हैं बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होगी वहाँ पर जाने के बाद में भी ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से नॉर्मल वहाँ पर ओपन हो जाएगा जैनू ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा अभी आप इसके बारे में क्लियर रहिए तो मैंने यहाँ पे बताया कि हाफ ऑफ स्टूडेंट्स ही वहाँ पर पढ़ाई शुरू होगा चलिए दोस्तों ठीक है अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ पे आपको रिसर्च स्कॉलर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले साथ ही साथ में फाइव वो फाइनल ईयरस का अंडर्ड ग्रेजुएट जिनका कि प्लेसमेंट होने वाला है वो जाएंगे और जो बच्चे खुशे स्टूडेंट हैं इनके बाद में उनको ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग कराया जाएगा दोस्तों ऑनलाइन स्टडी होगा मतलब अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं और आपने अभी तुरंत एडमिशन लिया हुआ है तो समझ लीजिए कि फिर आप मुश्किल से वहाँ पे जा पाएंगे अभी आपका ऑनलाइन ही क्लास चलेगा चाहे आपने बी में एडमिशन लिया है और आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है तो सिंपल सी बात है अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो न्यू वाले जो हैं उनका भी यही होगा दोस्तों तो समझ लीजिए कि आपको अभी ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा कोई भी न्यू स्टूडेंट है उसकी ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को छोड़ के दोस्तों तो आप तो कन्फर्म हो गए कि क्या होने वाले कैंपस कब ओपन होगा ओपन होगा कैंपस मैं बोल रहा हूँ ओपन होगा और हो भी चुका है लेकिन पहले रिसर्च स्कॉलर्स देन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट देन अंडर ग्रेजुएट वाले जिनका कि प्लेसमेंट वो ऐसे बुलाए जाएंगे और दोस्तों बाकी लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई होगा यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई करेगा तो वो अगर चाहता है कि उनको फैकल्टी मेम्बर्स मिलना है तो प्रायर कंसल्टेशन यानी कि प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जाके मिल सकते हैं लेकिन कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और कोई भी मीटिंग कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नहीं कर सकते जे में जब तक कि ये सिचुएसन रहेगा कोविड नाइन्टीन का दोस्तों तो कुछ ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जे का जो हॉस्टल है वो हॉस्टल फैसिलिटी आपको कब मिल सकता है कब हॉस्टल आपके लिए ओपन हो सकता है थैंक यू सो मच